नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। यह सच है कि दिया गया श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य के बेटे वीर अश्वत्थामा को एक चूक का खामियाजा भगवान श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण चुकाना पड़ा। श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण अश्वत्थामा 5000 साल से इस धरती पर भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा आज भी एक किले में बने भगवान शिव के मंदिर में रोजाना पूजा करने आते हैं। कहाँ भटक रहा है वीर अश्वत्थामा? महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य के वीर बेटे अश्वत्थामा को अपने एक बुरे काम के कारण भगवान श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण युगों युगों से भटकना पड़ रहा है। अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वह गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरु वंश के राजगुरु पाचार्य के भांजे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को एक समान शस्त्र विद्या में पारंगत किया था। कहां पर स्थित है भगवान शिव का मंदिर? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित असीरगढ़ किले में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। यहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण से मिले श्राप से मुक्ति पाने के लिए अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग पर रोजाना ताजा फूल व गुलाल चढ़ा मिलता है, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। बुरहानपुर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। पहले जगह खांडव वन से जुड़ी हुई थी। किले का नाम असीरगढ़ यहाँ के एक प्रमुख चरवाहे आसा अहीर के नाम पर रखा गया था। किले को यह स्वरूप 1380 ईस्वी में फारूकी वंश के बादशाहों ने दिया था। क्यों दिया था श्री कृष्ण ने श्राप? महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाही, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व यानी कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह नर था या हाथी। यह सुन गुरु द्रोण पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर पंचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया था। पिता की मृत्यु से आहत हुए वीर अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों के सोए हुए पुत्रों का वध कर दिया था। इतना ही नहीं, उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र भी चला दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन करते हुए युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। अश्वत्थामा को देखने वाला खो देता है मानसिक संतुलन। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। लोगों का कहना है कि कभी कभी वह अपने मस्तक के घाव से बह रहे खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। जब कुछ लोग मछली पकड़ने वहां के तालाब में गए थे तो अंधेरे में उन्हें किसी ने तेजी से धक्का दिया था। गाँव के कई बुजुर्ग कहते हैं कि जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है। शिव मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना करने आते हैं अश्वत्थामा। किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा रोजाना शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे उतावली नदी में स्नान करके पूजा के लिए यहां आते हैं। पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। तालाब के कुछ आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा हुआ है। इन्हीं खाइयों में से एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है, जो खांडव वन से सीधा इस मंदिर में निकलता है। इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं। भले इस मंदिर में रोशनी की सही ढंग से व्यवस्था नहीं है, लेकिन पूजा यहाँ लगातार जारी है। शिवलिंग पर प्रतिदिन ताजा फूल व गुलाल चढ़ा रहता है। तो दोस्तों, यह थी 5000 साल से भटक रहे अश्वत्थामा से जुड़ी जानकारी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।